हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई को आज हम यहाँ से होटल से जाने वाले हैं और क्वारंटाइन का टाइम हमारा भी होटल वाला आज जो है ख़त्म हो रहा है और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं नहा वहा कर तैयार हो गई हूँ और मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं। दिया और दिया के पापा भी बैठे हैं, ये लोग नाश्ते का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी नाश्ता नहीं आया है। और यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि दिया के चल रहे यूनिट टेस्ट, तो दिया के आज थर्ड पेपर हैं, तो वो पेपर करवा कर और फिर मैं यहाँ से जाऊँगी, जिससे कि जो है मतलब दिक्कत ना हो, उसके पेपर आज हो जाएँ। तो 10:40 से उसके पेपर शुरू होते हैं, तो वो करा के और फिर हो सकता है हम लोग 11 या 11:30 तक निकलें। तो कुछ यूँ चल रहा है और मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ और आप लोगों के साथ सफ़र पे वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है हम लोग अपनी गाड़ी से अपनी सिटी वापस जाएंगे। तो गाड़ी भी हमारी यहाँ होटल पे आ चुकी है, इन्होंने जिसके पास रखा था वो लोग लाकर यहाँ पर मतलब दे चुके हैं। दिया को आप देख रहे हैं, दिया भी बैठी है, टीवी में लगी हुई है, इसका रिवीजन भी कंप्लीट करा दिया है मैंने। तो बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है बच्चों का कि पूरे दिन पढ़ाते रहें, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ 1.5 घंटा, तो इसको लर्न हो जाती हैं सारी चीज़ें। और पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर लिया और बस इसके बाद से तैयार करूँगी दिया को, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो देखते हैं कब तक निकलना होता है, 11 या 11:15 तक। तो चलिए, आप लोगों से मिलती रहूंगी छोटे छोटे ब्रेक पे। तो अभी जो है दिया के पेपर वगैरह हो चुके हैं, दिया को पेपर करा दिया इंग्लिश का, यूटी का टेस्ट, तो और सारी तैयारी हो गई है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई मिल जाए जो लगेज नीचे तक लेकर चला जाए तो ठीक है, नहीं तो खुद ही घसीटते हुए ले जाएंगे। तो इन्होंने फ़ोन किया है तो रिसेप्शन पे बोला कि ठीक है, देखते हैं, भेजते हैं। और सामान वगैरह सब निकाल कर रख लिया, तो एकदम रेडी हैं, बस वेट कर रहे हैं किसी के आने का। 10 मिनट वेट करेंगे, नहीं तो खुद ही ले जाएंगे, लिफ्ट लगी है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर सामान थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, दिया बाल उठा उठा के दिखा रही हैं आप लोग को। तो दिया जो है 7 दिन के वनवास के बाद अब जा रही हैं अपने घर, तो इसलिए जो है काफ़ी खुश हैं, सुबह से बहुत खुश है कि घर जाना है, घर जाना है। चलिए निकलती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर हम लोग जो है सब सामान वगैरह लेकर तैयार हो चुके हैं और इन्होंने कहा कि एक बार जो है रूम की वापस से रीचेक भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई सामान छूट जाए, क्योंकि हम लोगों ने पूरे रूम में सामान बिखेर कर रखा हुआ था। और इनको कोई कॉल भी करना था नीचे रिसेप्शन पे, तो इन्होंने कॉल किया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर लिफ्ट के पास आ चुके हैं और सामान हमारा जो है अलग ट्रॉली से चला गया था रिसेप्शन से, कोई बंदा आया जो ट्रॉली में लेकर जा चुका था। तो यहाँ लिफ्ट के पास खड़े खड़े मैं यहाँ का थोड़ा सा शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि होटल कैसा है, कैसा है। और अभी जो है हम लोग आ चुके हैं नीचे लॉबी में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग क्वारंटाइन होते हैं और कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो क्वारंटाइन से निकल कर यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर बैठ कर कोई फॉर्म फिल कर रहे थे क्वारंटाइन का, कि हाँ भाई हमने 7 डेज का क्वारंटाइन पूरा कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग और हमारे पासपोर्ट भी जो है एयरपोर्ट पर ही जमा हो गए थे और वो एयरपोर्ट हमें जो है यहाँ पर मिले, मतलब इस होटल में जब हमने अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया तब हमें जो है फिर वो हैंडल हुए किसी फॉर्म के साथ, जिसमें हम तीनों के नाम थे, एक फॉर्म फिल हुआ था, सारी डिटेल थी हमारी, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह। और ये सब कुछ करने के बाद, पासपोर्ट हाथ में लेने के बाद, अभी मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी लेने, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो जयपुर में ही थी, तो यहाँ पर जो है इन्होंने जिसके पास मतलब गाड़ी खड़ी थी उन्होंने भैया ने लाकर होटल में गाड़ी पहुंचा दी थी। तो अभी ये गाड़ी लेकर आ चुके हैं अपने छोटे से शहर में जाने के लिए अपनी छोटी सी गाड़ी से, और यहाँ पर ट्रॉली में जो सामान रखा है, तो बस जो वेटर है, जो मतलब वेंडर है हमारा, उन्होंने बहुत अच्छे से सामान वगैरह सब कुछ लगवा दिया था बेचारे ने, काफी मेहनत करी थी। और एक भैया और हैं जो साथ में हेल्प कर रहे हैं, तो बस वो भी जो है हमारे परिचित ही हैं, तो यहाँ पर जो है सामान वगैरह गाड़ी में रख रहे हैं। पहले हमने गाड़ी में सोचा कि अंदर रख लें, पर बाद में ध्यान आया कि बारिश के टाइम है और जो है अगर कहीं भीग जाएगा सामान तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने गाड़ी का कवर ही निकाला, उसी से जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कवर हो रहा है, उसके बाद से काफी अच्छे से उसको जो है बांधा गया था। और अभी हम लोग चल पड़े हैं अपने रास्ते की तरफ, तो काफी खुश थे हम तीनों घर पहुंचने के लिए, मतलब घर निकल के होटल से निकल के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और ये होटल का ही पूरा जो है, अभी ये जो ग्रीनरी है ये आपको दिख रही है, ये होटल की ही दिख रही है। तो होटल का गेट अभी आगे है और होटल काफी बड़ा था, काफी अच्छा होटल था। तो यहाँ पर मैं ये शूट कर रही थी कि चलो अपनी आजादी इंजॉय करते हैं, हम लोग जो है होटल से छूट कर निकल चुके थे और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप देख रहे हैं कि काले काले बादल घिरे हुए हैं, मौसम जो है एकदम ऐसे ही हो रहा था कि कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चले। और बस अब रास्ते पे निकल चुके हैं और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि दुबई में भी हम लोग रहे तो एकदम पैक पैक रहे और
मतलब बहुत कम निकलना हुआ, तो ऐसे लगता था कि भाई घर में पैक होके रह जा रहे हैं, कोरोना का टाइम था लॉकडाउन का, तो अभी निकलना पॉसिबल नहीं था। और अभी रास्ते में जो है ऐसे लग रहा था कि कहाँ आजाद पंछी की तरह हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने इनको बोला भी, काफी टाइम बाद ये टाइम आया जब अपनी गाड़ी में हम तीनों हैं और आराम से इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद से रास्ते में हम रुके थे खाना खाने, तो चलिए खाना खाने बैठूंगी, फिर मिलूंगी आप लोगों से। आधे रास्ते में पहुँचे हैं और यहाँ आकर बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मास्क उतार दिया है और ये होटल जो है कहाँ, रिंगस में ना, रिंगस पे है, जयपुर से आते समय रिंगस एक जगह पड़ती है, वहाँ पे है ये होटल। दिया बैठे हैं, दिया का मास्क हम निकाल दें, साइड से निकाल दो, फिर सैनिटाइज कर लेना हाथ, उतारना पड़ता है, इसे खाना नहीं खा पाएगी। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर करी थी जोधपुरी मसाला गट्टा और सिंपल तवा रोटी साथ में प्याज, तो बहुत मजा आया था खाने के बाद। आप सोच सकते हैं कि होटल का खाना खाने के बाद इस तरह का खाना खाना में कितना मजा आया होगा। निकल पड़े हैं, हमने खाई थी गट्टे की सब्जी और रोटी, घर वाला खाना क्योंकि पनीर की सब्जी खा खा कर रुक गए थे। होटल में जो है हर टाइम पनीर की सब्जी, आफत आ गई थी पनीर की जैसे, और पनीर हम लोग खाते भी नहीं इतना, तो बहुत मन मार के खाते थे। तो गट्टे की सब्जी देखते ही मैंने गट्टे की सब्जी ऑर्डर करी और एकदम प्लेन रोटी, क्योंकि घर की तवे जैसी रोटी खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने उसमें घी भी नहीं लगवाया था, सिंपल रोटी खाई हमने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जो है सब्जी मिली हमें। और इस टाइम पे अभी खूब अच्छी वाली बारिश हो रही है, तो बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, तो देखते हैं हो सकता है घर तक भी बारिश मिल जाए। जयपुर से बादल थे और अभी रिंगस पे आकर बारिश हुई है, चलिए दिखाती हूँ आपको पीछे का व्यू। और अभी जो है वापस से बढ़ चले हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और अभी घर आने में लगभग एक सवा घंटा और था, और रास्ते में जो है खूब अच्छी वाली बारिश मिली थी, इतनी ज्यादा कि मतलब कभी कभी तो ऐसे हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि गाड़ी कहीं स्लिप ना कर जाए, इतना ज्यादा हम लोग डरे हुए थे। और अभी जी यहाँ पर जो है आपको काफी कम दिख रहा है, पर आगे जो है बारिश काफी अच्छी वाली मिली थी। तो इस तरीके से होता है बारिश के टाइम पे भी गाड़ी चलाना, थोड़ा सा रिस्की भी होता है, पर अच्छा लग रहा था। मैंने इनको बोला कि आप धीरे धीरे ड्राइव कर लो और मैं छोटे छोटे वीडियो जो है बनाती चलूंगी, और आगे अभी आपको बारिश की पूरी वॉइस जो है सुनाऊंगी कि कितनी तेज बारिश हो रही थी, गाड़ी चलनी मुश्किल हो रही थी। बीच में एक बार गाड़ी का वाइपर भी रुक गया, तो फिर इन्होंने किसी तरह से सही किया, और कांच के जो है शीशे की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से कुछ शूट किया था जिस वजह से जो है बारिश का पूरा जो है आप लोग भी मेरे साथ मजा ले सके। और मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि काश घर पे होते तो पकौड़े बनाकर खाते, क्योंकि बारिश और पकौड़े दोनों साथ में याद आते हैं। तो कोई नहीं, घर पहुंचेंगे, देखते हैं कभी बारिश होगी तो पकौड़े बनाकर जरूर एंजॉय करूंगी सबके साथ।
अभी हम लोग जब आगे बढ़े तो तेज बारिश जो है खत्म हो चुकी थी। रास्ते मतलब एकदम थोड़े थोड़े सूखे से पड़े थे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ऐसे ही था, मतलब जयपुर से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो तेज बारिश थी बीच में, और फिर जब अपने शहर के पास पहुंचने लगे तो बारिश का नामो निशान नहीं था, रोड हल्के से गीले थे, तो कुछ इस तरीके से था। और हमें लगा, मतलब पता चल गया, मैंने घर पे ही फोन किया तो दीदी ने बोला कि हाँ कोई बारिश नहीं हो रही है, मौसम ऐसे ही है। तो अभी आप देख रहे हैं मौसम एकदम ठंडा ठंडा सुहाना सा हो रहा है, पर बारिश का नाम नहीं है। और चलिए घर पहुंचते हैं। अभी आपने देखा रास्ते में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और जब इधर आए अपने शहर की तरफ तो बारिश बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर रुके हैं पेट्रोल के लिए, पेट्रोल एक जगह और डलवाई थी पर यहाँ पर गैस भी डलवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है कभी गैस से चलती है कभी पेट्रोल से चलती है, तो इसलिए जो है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, मोबाइल के मैसेजेस चल रहे हैं, और बाहर का व्यू बहुत सुंदर है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाती हूँ आपको बाहर से। और यहाँ पर अभी हमने एंट्री कर ली है अपनी सिटी में, तो घर जाने से पहले मैंने इनको बोला कि चलो थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि फिर पता ही निकलना हो ना हो, क्योंकि 7 दिन हमें क्वारंटाइन रहना है। तो जैसे ही मुझे आम के और भुट्टे के ठेले दिखे तो मतलब मेरा मन जो है माना नहीं, मैंने इनको बोला कि चलो आम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे वाले आम जो है खाए मतलब पूरा साल निकल गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ठेले वाले भैया हैं उनके पास शायद मास्क भी नहीं है, मतलब देख के मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया। पर यहाँ की हालत ऐसी है छोटी सिटी में, जो हमारे जो है सब्जी वाले हैं फ्रूट वाले हैं इन लोग जो है मास्क लगाते ही नहीं है, सामने से आप खुद की जो है अगर प्रिकॉशन करके नहीं जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सीन था। तो मैंने यहाँ से जो है आम लिए, भुट्टे लिए घर जाने के लिए, और बहुत दिन बाद इस तरह से शॉपिंग करके खुले आसमान के नीचे मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब मुझे कैसा फील हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं ठेले पे घूम घूम कर चीजें खरीद रही हूँ, कभी आम लिए कभी भुट्टे लिए, तो कुछ इस तरीके से चल रहा था। और घर पे खबर कर दी थी कि भाई हम लोग आ रहे हैं चाय बना के रखना, तो आगे जाऊंगी घर पे जो है, घर से जो ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मैंने इतना ही शूट किया था। और आप दिखाएंगे बैठे बैठे ये जो यहाँ पर शूट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर भुट्टे ले रही हूँ, ताजे ताजे भुट्टे देखकर मन में लालच आ ही जाता है कि घर जाएंगे भुनवा कर खाएंगे। तो उसी दिन मैंने दीदी को बोलकर जो है भुट्टे भुनवा कर खाए थे, और भुट्टे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब मेरे घर में सबको पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और इसी बात का था कि हम लोग घर पहुंचे, फिर पता नहीं कब निकले, 7 दिन हमें भी वापस से क्वारंटाइन रहना है आगे, तो इसलिए जो है हमने कहा कि चलो रास्ते में चलते समय ये चीजें ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग कर रही हूँ, और इसके बाद से जो है बढ़ेंगे अपने घर की तरफ। और यहाँ से घर हमारा ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था, तो इसलिए जो है बस यहाँ पर ले रही हूँ। और अपने ब्लॉग की एंडिंग में यही करूंगी, आप सबसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, और जब मैं घर पहुंचूंगी तो घर से जो है अपना ब्लॉग नेक्स्ट शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप सबसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।